दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो में मैंने बनाया है एक वायरलेस एसी लाइन डिटेक्टर, जो कि बिना किसी वायर को कनेक्ट किए ये पता लगा लेगा कि क्या किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी वायर में एसी इलेक्ट्रिसिटी करंट आ रहा है या फिर नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक सोल्डरिंग आयरन रखा हुआ है जिसके ऊपर मतलब जिसको मैंने एसी सप्लाई दे दी हुई है, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो एलईडी लाइट है वो ऑन हो गई है। तो दोस्तों इस चीज़ को बनाना ही आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ यार इस अमेजिंग से प्रोजेक्ट के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको दिख रहा होगा एक सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों इसी सर्किट डायग्राम की मदद से हम बनाने वाले हैं एक वायरलेस एसी लाइन डिटेक्टर। दोस्तों कुछ इस तरीके का सर्किट है जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिया हुआ है। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने तीन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया है, C1815 इनको बोला जाता है, C1815 इनका नंबर है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो C1815। और तीन रजिस्टर्स हमें चाहिए होंगे, पहला रजिस्टर है 330 ओम का, दूसरा रजिस्टर है 100 किलो ओम का, और तीसरा वाला रजिस्टर है 1 मेगा ओम का। कुछ इस तरीके से हमने इनकी वायरिंग करनी होगी। आप जो सर्किट है क्लोजली मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे में फोकस करके, आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इन सभी रजिस्टर्स को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, कैसे इनकी वायरिंग की है। आप चाहो तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं की यहीं अभी के अभी दोस्तों मैं आपको कहूँगा इस वीडियो को पॉज करके इस सर्किट को अच्छे से आप समझ सकते हो, और जो डायग्राम है आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर जो सर्किट है मेरे हाथ में आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको अगर बनाना चाहे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। हमें चाहिए होगा एक एलईडी, मैंने 5 mm का रेड कलर एलईडी यूज़ किया है। एलईडी का जो पॉजिटिव वाला वायर है या फिर पॉजिटिव लेग है उसको हमने जोड़ दिया 330 ओम के रजिस्टर के साथ, और जो नेगेटिव वायर है उसको हमें जोड़ना है ट्रांजिस्टर की फर्स्ट ट्रांजिस्टर के सेकंड लेग के ऊपर। कुछ इस तरीके से हमने इसकी कनेक्शन कर दिया, कुछ इस तरीके से इसकी हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही सिंपल है, जो बैटरी का कनेक्शन है बैटरी भी बहुत ही सिंपल है, जो पॉजिटिव वायर है बैटरी का 9 वोल्ट बैटरी के कनेक्टर का जो पॉजिटिव वायर है हमें रजिस्टर्स के पास लगाना होगा, और जो नेगेटिव है वो हमें लगाना होगा फर्स्ट ट्रांजिस्टर की फर्स्ट लेग पे। बहुत इजी कनेक्शन है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा वीडियो है दोस्तों, एंड तक प्लीज़ एंड तक पूरा ज़रूर देखना। तो हमने इसको दोस्तों 9 वोल्ट बैटरी की मदद से इसको सप्लाई दे दी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। अब दोस्तों मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में 220 वोल्ट एसी का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो कि मेरे घर में लगा हुआ है, आप सभी के घरों में भी लगा होगा। हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा कि कोई एक टेस्ट पिन होती है, टेस्ट पिन में क्या होता है एक बल्ब लगा होता है, नियॉन बल्ब जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है जब भी हम मतलब एसी सप्लाई में रखते हैं उसको, तो वो क्या करता है टच करते ही वो बल्ब ऑन हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है वो टच करना पड़ता है। लेकिन ये वायरलेस एसी लाइन डिटेक्टर है तो इसकी खासियत ये है कि ये वायरलेसली बिना किसी वायर को ज्वाइन किए बिना किसी टच किए किसी चीज़ को ये डिटेक्ट कर लेता है। आप देख सकते हो दोस्तों स्विच के जैसे ही मैं पास लेके जाता हूँ हमारा लाइट ऑन हो जाता है, और जैसे अब देखना स्विच ऑफ किया तो एलईडी लाइट भी हमारी ऑफ हो गई। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, मैं भी कहूँगा कि यार आप लोगों को इस चीज़ को जरूर बनाना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो, ये जो प्रोजेक्ट था आज का, ये आपको पसंद जरूर आया होगा, और पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ऐसे और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नए नए आइडियाज़ मैं आप लोगों के लेकर आता रहूँगा। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।